राजधानी रांची में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है, तो वहीं टूर्नामेंट के दौरान कोई कसर ना रह जाए इसे लेकर भी लगातार तैयारी हो रही है। वहीं खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज जापान की टीम रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सुबह से ही प्रैक्टिस कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत की टीम आई थी प्रैक्टिस करने। वहीं जापान के कोच ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रांची का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टेडियम में प्रैक्टिस करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग अभी अभी एशियन गेम्स खेल के आए, तो तैयारी जारी है। तो होपफुली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। टीम का यहाँ जो प्रैक्टिस चल रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस है? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ से। सब फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग स्टेडियम बहुत अच्छा है, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि इंडियन टीम को यहाँ लोकल होने का उनको बेनिफिट मिलेगा क्राउड का? डेफिनेटली क्राउड का बहुत बेनिफिट रहता है, तो इंडियन टीम को डेफिनेटली एडवांटेज होता है यहाँ पे। सर, यहाँ पे टोटल 6 टीम है, कौन सी टीम से सबसे ज्यादा राइवलरी लगती है कि आपको मिल सकता है? एशिया में विमेन्स हॉकी में 4 टीम बहुत नजदीक है, तो आप रैंकिंग देखेंगे तो 4 टीम काफी नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक है। मेन्स हॉकी में अलग है, लेकिन विमेन्स में इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, कोई भी ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, बहुत नजदीक है। ये यहाँ के वेदर को लेकर के टीम मेंबर्स का क्या कहना? वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम लोग सोचा था गर्मी और थोड़ी होगी, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छा है। सर, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे। जूड मेनेजेस, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। सिडनी ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से खेला हूँ, बट 2002 में न्यूजीलैंड माइग्रेट हुआ फैमिली के साथ। तो 8 साल न्यूजीलैंड के साथ कोचिंग कर रहा था, दो ओलंपिक्स रियो में और टोक्यो में न्यूजीलैंड की तरफ से असिस्टेंट कोच था, और अभी 2 साल से जापान का हेड कोच। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।